राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रांत का संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष कसौली में संपन्न हो गया। इसमें भागमल नांटा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रथम वर्ष के इस वर्ग में हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के स्वयंसेवकों ने भाग लिया। 20 दिवसीय इस वर्ग में स्वयंसेवकों ने अनुशासन तथा समूह भावना को जागरूक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं स्वयंसेवकों को आरएसएस की गूढ़ विचारधारा से अवगत करवाया जाता है और उन्हें देश के प्रति समर्पित होने का संदेश भी दिया जाता है। इस मौके पर सह प्रांत प्रमुख किस्मत सिंह ने कहा कि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर से आए करीब 370 स्वयंसेवकों ने संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष में भाग लिया। इस मौके पर उन्हें हिंदू और हिंदुत्व को बचाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि भारत को भारत के नजर से देखने का संस्कार पैदा हो सके, इस उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि आवश्यकता सभी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति एवं संगठन इस दिशा में कदम से कदम और मन से मन मिलाकर राष्ट्र निर्माण व विश्व कल्याण के कार्य में जाति मत प्रांत संप्रदाय से ऊपर उठकर इस कार्य में सहयोग दें, ताकि भारत विश्व में जगत गुरु और महान राष्ट्र बन सके। संघ में कार्यकर्ताओं के निर्माण की दृष्टि से, कार्यकर्ता के एक मजबूती की दृष्टि से और वैचारिक आधार पर उसका एक प्रकार से समाज में एक जो वैचारिक आंदोलन चल रहा है उस आधार पर वो अपने आप को सक्षम कर सके, ऐसा एक प्रशिक्षण वर्ग 20 दिन का आज यहाँ संपन्न हो रहा है। हिमाचल प्रांत के सभी जिलों से, सभी ब्लॉक से 356 एक शिक्षार्थी यहाँ पर शिक्षण प्राप्त करने के लिए आए। 14 अन्य प्रांतों से भी आए हैं, पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के। ऐसे कुल 370 संख्या यहाँ पर इस शिक्षण वर्ग में आई है। भारत को भारत की नजर से देखने का संस्कार समाज में पैदा हो सके, इस भाव को समाज में भी ले जाने के लिए संघ के स्वयंसेवक का प्रशिक्षण आवश्यक है, ऐसा मान करके हम कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रतिवर्ष करते हैं।